कोरोना प्रभावित देशों की सूची में भारत पांचवें स्थान पर आ गया है और 2,40,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं और निरंतर यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चाइना लद्दाख में हमारी सरहद में घुस रहा है और हमारे गृह मंत्री बिहार में वर्चुअल रैली कर रहे हैं। वर्चुअल रैली मतलब ऑनलाइन रैली। 72,000 LED पूरे बिहार में लगाई गई। अगर ये 72,000 बसें बिहार के लिए चलाई जाती तो देश में 304 लोगों की, जो गरीब मजदूर लोग थे, उनकी मौत ना होती। लेकिन मेरा सवाल गृह मंत्री जी से है, इस महामारी में भी आप रैली कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। बिहार को 20 लाख करोड़ का जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया था उसमें क्या मिला है? वहां के गरीब लोगों को क्या मिला है? वहां के जो प्रवासी मजदूर बिहार गए उनके रोजगार का सृजन करने के लिए सरकार क्या कर रही है? किसान की जो कृषि दर है वो 1% से कम है बिहार में। सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार जो है वो बिहार में है और आप बिहार में चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं जबकि पूरा बिहार आज कोरोना की चपेट में है। सारे रोजगार ठप हो चुके हैं क्योंकि आपको, आप सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं और सत्ता के भूखे लोग हैं। केवल आपको सत्ता से मतलब है, ना कि देश के लोगों से, राज्य के लोगों से, ना ही गरीब लोगों से, ना ही मजदूरों से, ना ही आपको अर्थव्यवस्था से कोई मतलब है, ना ही देश के विकास से कोई मतलब है। आपका केवल एक ही मकसद है, सरकार बनाना, MLA खरीदना। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप इस महामारी में देश को संभालिए। चुनावी रैली का, चुनावी जुमलों का यह वक्त नहीं है। जय हिंद, जय बिहार।